हाय, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। अभी हम फिलहाल अपने घर से निकले हैं, तो हमने गेट खोला, अब जा रहे हैं हम पुराने घर की तरफ। तो दिखाते हैं हम अपना पुराना घर आप सभी को। दोस्तों, पीछे बहुत तालाब दिखाई दे रहा है और साथ में सड़क जो हमारे नए घर की तरफ है, और ये पुराने घर की तरफ रास्ता जाता हुआ। देखो, गाँव के घर दिखाई दे रहे हैं हमारे जहाँ हमें साथ में। तो दोस्तों, आइए ले चलते हैं हम आपको अपने घर की तरफ। अब हम गलियों में आ गए हैं, पुराने घर की गलियों में जो रास्ता जाता हुआ। तो जे बगल में हमारे पड़ोसियों का घर है। दोस्तों देखो, जो वो सामने आ गया हमारा पुराना मकान, जो यानी कि जो कच्ची ईंटों से बना हुआ है और ऊपर उसके ऊपर स्लेट डले हुए हैं। ये है हमारा पुराना मकान, और साथ में आगे आंगन है। ये हमारा पुराना मकान है जहाँ हम रहते थे। बचपन हमारा यहीं बीता है, क्योंकि हमारा जन्म भी जहाँ से है, शादी भी यहीं, और बचपन भी हमारा जहाँ बीता है, खेले कूदे हम यहीं है। ये मेरा आंगन है, और ये पड़ोसियों के घर है साथ में। आइए अंदर ले चलते हैं आपको दिखाने के लिए। देखो, ये हमारा कच्चा मकान ना जाने कब गिर जाएगा, गिरने वाला है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं। देखो, कच्चे मकान की दीवार में कितने दरारें आ गई हैं, फट गया है। देखो, पूरी तरह से छेद आ गया है, मिट्टी जल रही है, ना जाने जी कब गिर जाएगा इस। और दोस्तों ये देखिए, ये हमारा एक कमरा ये था, और ले चलते हैं हम दूसरी तरफ। और ये हमारा ऊपर जाने का रास्ता, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कच्ची, ऊपर इसको कोठा बोलते हैं हम। और ले चलते हैं हमारा दूसरा रूम दिखाते हैं। ये हमारा दूसरा रूम है जहाँ हम रहते थे। ये हमारा कच्चा मकान दोस्तों। ये आगे आंगन है, वो पड़ोसियों के मकान है सामने, और ये हमारा कच्चा मकान है जो अभी गिरने वाला है। आइए दिखाता अंदर का रूम कैसा है। अभी हम दरवाज़ा खोल रहे हैं, तो आइए दोस्तों, अब दरवाज़ा खुल गया है। देखो अंदर का माहौल कैसा है, देखो किस तरह से फट गया है सारा मकान। कभी किसी वक्त ये गिर सकता है। देखिए, अलमारी थी, ताके, सब कुछ बना हुआ था, छत डली हुई थी, ऊपर छत में टाइल डली हुई है लकड़ी पर। ये हमारा ये रूम था। आइए हम आप दूसरे तरफ ले चलते हैं। ये हमारा पौड़ियों का रास्ता है, ऊपर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं कच्ची ऊपर जाने के लिए। आइए ऊपर ले चलते हैं आप सभी दोस्तों को, ऊपर का हिस्सा आपको दिखाते हैं। तो ये दोस्तों ऊपर का ये है हमारा ऊपर का छत जो डाली हुई है, इस पर टाइल डली, ऊपर मिट्टी लगाई हुई है। देखो किस तरह से हमारा मकान फट गया है, पूरी तरह से दरार आ चुकी है इसमें, और ये किसी भी वक्त गिर सकता है। देखो कितनी कितनी मोटी दरारें आई हुई हैं, देखो किस तरह से फट गया है। दीवार एक तरफ चली गई है सारी की सारी, ये कच्चा मकान पूरा गिरने वाला है। तो दोस्तों देखो कैसा हाल है हमारे इस कच्चे मकान का। सरकार भी हमारा कुछ नहीं कर रही है, और न प्रधान हमारे कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों, जहाँ हम रहते थे इस मकान में पहले, हमारा बचपन यहीं बीता है, यहीं खेले कूदे हैं, यहीं पले बड़े हैं इसी घर में। तो देखो यहीं रहते थे हम, और देखो किस तरह से बुरा हाल है। वो सामने हमारी जहाँ हम खाना बनाते थे, चूल्हा हुआ करती थी, आग जलाते थे, और जहाँ हम बर्तन वगैरह मांजते थे, और सामने जहाँ हमारा अनाज वगैरह रखा जाता है। चलो दोस्तों, अब नीचे की तरफ आ रहे हैं हम, चलते हैं आपको। अब हम नीचे आ गए हैं, वैसे भी डेंजरस जगह है, मकान कभी भी गिर सकता है। तो अब हम बंद कर रहे हैं इस दरवाजे को भी, ये हमारे बीचों बीच की पौड़ियाँ थी। तो इस तरह से कैसा हाल है हमारे मकान का देख लिया आप दोस्तों ने। यहाँ की तो ना सरकार हमारे सुनवाई कर रही है, ना हमारे प्रधान मेंबर हमारे सुनवाई करते हैं। तो दोस्तों आप ही संजोग दीजिए हमारा। दोस्तों जी, हमारा दूसरा कमरा है जहाँ हम रहते थे। इस कमरे में हमारा बचपन बीता है, इसी में हम पढ़े लिखे बड़े हुए हैं, खेले कूदे हैं, यही रहते थे। देखो कमरे का कितना बुरा हाल हुआ है,
यानी कि दीवार पीछे की तरफ चली गई। देखो ऊपर छत डाली हुई है, टाइल डली हुई है, लकड़ी डली हुई है, पीछे की तरफ चली गई है दीवार। देखो किसे गिर रही है, न जाने कब ये गिर सकती है। हम तो रिस्क लेकर अंदर घुसे हुए हैं आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से हमारे मकान का बुरा हाल है दोस्तों। तो देखो किस तरह से हाल है हमारे कमरे का, पूरी नीचे गिर रहा है, ये अलमारी है। तो आइए दोस्तों, तो दोस्तों देखा इस तरह से हाल है हमारे घर के अंदर का, कभी भी गिर सकता है। तो ऐसा हाल है हमारे इस मकान का। अब हम बाहर आ गए हैं, तो अभी हम दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो दोस्तों देखा किस तरह से हमारे मकान का बुरा हाल हो चुका है। अभी हम आंगन में आ गए हैं, ये पड़ोसियों की गैरेज है, उधर पड़ोसियों का घर है पीछे, और सामने जी आगे भी पड़ोसियों के ही गैरेज है, यानी कि गोरन बोलते हैं इसको, जहाँ पशु वगैरह बांधते हैं, गोरन है। तो ये आंगन है हमारे घर का, और ये हमारा घर था जहाँ हम पहले रहते थे, ये पड़ोसियों के घर है सामने। और ये हम ले चलते हैं हमको पीछे की तरफ, वहाँ दिखाते हैं आपको किस तरह से हाल है। बहुत ऊंचा था हमारा ये मकान, देखो कि दीवारें बहुत ऊंची थी, मिट्टी लगाना बहुत मुश्किल होती थी। देखो दोस्तों किस तरह से दरार आ चुकी है मकान में, किसी भी वक्त ये गिर सकता है, दुर्घटना घट सकती है, कोई भी रास्ता भी यही जाने को है, लोग आते जाते इसी रास्ते से हैं। और देखो किस तरह से बुरा हाल चुका है, यही रास्ता लोग आते जाते रहते हैं। और जहाँ पड़ोसियों के घर, देखो कितने पड़ोसियों के घर हुआ करते थे, बीच में गिर भी गए हैं कईयों के। देखो ये हमारे पड़ोसियों के घर हैं सामने, तो यही रास्ता आता है, इधर हमारे पड़ोसी इधर उधर जाते रहते हैं हमारे आंगन से। तो किस तरह से दरार आई हुई है, फटा हुआ है पूरा मकान। तो बुरा हाल है हमारे कच्चे मकान का, ना ही तो हमारी कोई सरकार सुनवाई कर रही है, ना ही हमारे प्रधान मेंबर हमारी सुनवाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को कितना भी हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि हमारी कुछ आवाज़ आगे पहुंच सके। जैसे हमारे पड़ोसियों के मकान हैं, इनको तो काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिल चुका है, कच्चे मकान जिनके गिरे हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिल चुका है, हमें तो कुछ लाभ भी नहीं हुआ है। जहाँ तक कि मैं भी दिहाड़ी धप्पा लगाता हूँ, तो मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, दिहाड़ी धप्पा भी मैं लगाने वाला हूँ, मजदूर मिल जाए तो लगा लेता हूँ, नहीं मिले तो क्या करें। तो इस मकान के लिए मरम्मत के लिए कुछ हेल्प हो जाए तो दोस्तों कुछ मदद कीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा कच्चा मकान, ये रास्ता हमारा है जहाँ लोग आते जाते हैं इसी रास्ते से। तो देखिए किस तरह से हमारे इस मकान का बुरा हाल है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है तो हेल्प कीजिए हमारी इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए, जहाँ तक कि हमारी सरकार तक ये बात पहुँचे, हमारे जहाँ के प्रधान मेंबर हमारी कुछ सुनवाई भी नहीं करते हैं, वो तो बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, हैं जो उनको बोले तो बड़े बड़े लोगों को देते हैं। हाँ तो दोस्तों आप जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। तो दोस्तों जे हमारे रास्ता घर की तरफ दूसरी तरफ जाता है। तो जे था हमारा कच्चा मकान, दोस्तों बताइए क्या हाल हो चुका है हमारे इस कच्चे मकान का। देखिए इसी कच्चे मकान में हमने अपना पूरा बचपन बिताया है, खेले कूदे हैं। तो अब देखिए इस मकान का क्या हाल हो गया है, पूरी तरह से गिरने वाला है। कितना प्यारा मकान था हमारा, ये पड़ोसियों के घर हैं आसपास, जहाँ पहले घर वगैरह कम हुआ करते थे, ये अभी डाला है जहाँ। तो दोस्तों अब हम वापस जा रहे हैं अपने मकान की तरफ, ये हमारा नया मकान डाला हुआ है। तो ये हम आगे हैं, ये हमारे आगे तालाब है, सामने दिखाई दे रहा है वो, और ये सड़क है। तो अब हम अपने गेट में एंट्री कर रहे हैं दोस्तों, हम अपने घर पे आ चुके हैं नए घर पे। तो दोस्तों ये हमने गेट बंद कर दिया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमारा नया घर है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।